आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख अंचलें। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ब्राह्मणों का वास, धान मंडी, रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। नशे के अवैध कारोबार पर कसता पुलिस का शिकंजा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश मिलने के बाद जिले की पुलिस अवैध नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ हुई सक्रिय। राठी थाना पुलिस ने 1,90,000 के अवैध गांजे के पौधे किए जब्त। वार्ड क्रमांक 13 जवाहर नगर क्षेत्र में हुआ पौधारोपण, क्षेत्रीय पार्षद आशा राजीव रावत ने नवीन बालाजी उद्यान वाटिका में युवा कांग्रेस नेता मयंक जाट व क्षेत्र वासियों के साथ मिलकर किया पौधों का रोपण। विकास भी व स्वच्छ पर्यावरण भी। और सावन माह में हुआ शहर शिवमय, श्री कालिका माता सेवा मंडल द्वारा सावन व पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में कालिका माता परिसर में हो रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। श्री शिव महापुराण कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का हुआ बखान। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर रतलाम पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। रावटी पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर एक खेत पर दबिश देकर 174 किलोग्राम गांजा पौधे बरामद किए हैं। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाका एवं SDOP सलाना इडला मौर्य के मार्गदर्शन में रावटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त संदिग्ध लोगों की जानकारी प्राप्त करने हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए। मुखबिर से सूचना मिली कि कचरू पिता धीरज जी भाबर निवासी ग्राम सिंगत महुआ ने उसके घर के पीछे चरी व कपास के खेत में गांजा के हरे पौधे लगा रखे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर टीम बनाई जाकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर टीम द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कचरू पिता धीरज जी भाबर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम सिंगत महुआ, थाना रावटी का होना बताया। उक्त व्यक्ति ने घर के पीछे चरी व कपास के खेत में गांजे के पौधे लगा रखे हैं। आरोपी के खेत की वैधानिक तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा के 318 हरे पौधे, कुल वजनी 174 किलोग्राम, कीमत करीबन 1,91,000 रुपए के मिले। पौधों को विधिवत जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिससे उक्त गांजे के लाइसेंस का नहीं होना बताया गया। रावटी थाने पर धारा 8-20 NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। ग्राम सिंगत महुआ में एक व्यक्ति अपने खेत पर अवैध रूप से गांजा वर्का रखा है, जो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारी का अवगत कराया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश खटा सर के मार्गदर्शन एवं इडला मौर्या के मार्गदर्शन में आज जो कार्रवाई की गई है, ग्राम सिंगत में कचरू नामक व्यक्ति अपने खेत पर अवैध रूप से गांजे के 318 पौधे वगैरह रखे थे, जो कुल वजनी 174 किलोग्राम है, होकर 1,90,000 रुपये करीब कीमती है, जिन्हें आज उसके घर पर घर से गिरफ्तार किया गया। अक्सर जनप्रतिनिधि यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि निगम में हमारी सुनवाई नहीं हो रही या हमारी सत्ता नहीं है, इस वजह से हम विकास कार्य नहीं करवा पा रहे। लेकिन वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद श्रीमती आशा रावत के मामले में यह बात उल्टी साबित हुई और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रति रुचि दिखाई और वार्ड क्रमांक 13 में सड़कों के साथ ही नवीन उद्यान भी विकसित करने में लगे हुए हैं। वार्ड क्रमांक 13 जवाहर नगर में हरियाली अमावस्या के पावन अवसर के उपलक्ष में कांग्रेस युवा नेता मयंक जाट के मुख्य आतिथ्य में श्री बालाजी वाटिका चकवाल नगर के नवीन उद्यान में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण के अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि राजीव रावत ने कहा, जिन्होंने अभी इस संगठन का निर्माण किया है और शहर में सामाजिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, भाई नरेंद्र सेठ जी और उनकी पूरी टीम, उनके सहयोग से आज सिखवाल नगर
क्षेत्र का जो है नवीन बगीचा बालाजी उद्यान बनकर तैयार हुआ है। उसमें आज कल हरियाली अमावस है, उसके पूर्व मेला पर यह कार्यक्रम वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे बीच में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण, मेरे युवा साथी सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मयंक जाट जी से अनुरोध करूँगा कि वे वहीं कांग्रेस युवा नेता मयंक जाट ने क्षेत्र वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में हर ओर हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, ऐसे में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती आशा रावत एवं राजीव रावत ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है। श्रेष्ठ नवनिर्माण टीम की तरफ से जो अभी ये वृक्षारोपण का एक जो कार्यक्रम उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके लिए मैं आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे जो आपने एक जो टीम पूरी ऑर्गेनाइज करी है, जिससे लोगों के मन के अंदर पौधारोपण की एक जो भावना पैदा होती है, क्योंकि आज के समय में वृक्ष की उपलब्धता हमारे रतलाम शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखते होंगे कि हर जगह अभी वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। उसको लेकर जो श्रेष्ठ नव निर्माण समिति द्वारा ये जो एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो निःशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से। और ये जो पेड़ लगाने के, पौधे लगाने के जो काम श्रेष्ठ नव निर्माण समिति द्वारा किया गया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ पर वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं आशा राजीव जी रावत जी द्वारा दूसरी बार इस माह में, पिछली बार भी इस माह में हुआ था और इस बार भी हुआ है, तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा निरंतर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इन वृक्षों को आज हम पौधारोपण तो कर रहे हैं, आगे इनको बढ़ाएंगे भी सही आप, और ये बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक बात लिखी है कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है, वैसे वैसे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वृक्षों को हम लगा तो रहे हैं, इन्हें बढ़ाएंगे आप, और ये बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। इस अवसर पर श्रेष्ठ नव निर्माण संस्था द्वारा पौधारोपण के लिए पौधे उपलब्ध करवाए गए, जिसके लिए भी क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि राजीव रावत ने संस्था प्रमुख का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रेस क्लब सदस्य जितेंद्र सिंह सोलंकी, सुजित उपाध्याय, महेंद्र कोरवाल, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं वार्ड के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। सावन के पवित्र माह एवं पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष में श्री कालिका माता मंदिर परिसर में 2 माह तक विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रमों की कड़ी में श्री शिव आराधना महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। श्री शिव आराधना महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन करते हुए स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी जी महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा कि हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक महत्व है। कथा में शहर के वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी धर्म लाभ लेने पहुंच रहे हैं। वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद श्रीमती आशा रावत, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजीव रावत, वरिष्ठ प्रेस क्लब सदस्य जितेंद्र सिंह सोलंकी ने सपनिक पहुंचकर स्वामी का शॉल श्रीफल से सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्मालु जन मौजूद रहे।
अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संपर्क कर। रतलाम शहर से पहली बार रतलाम से उज्जैन महाकाल तीर्थ तक निकाली जा रही इस यात्रा को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह है। यात्रा में शामिल होने के लिए शहरवासी बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। राठौर परिवार के प्रकाश प्रभु राठौर ने बताया कि सावन के दूसरे सोमवार को यात्रा के पहले भगवान काशी विश्वनाथ महादेव की पूजा अर्चना व अभिषेक कर परम पूज्य स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज के आतिथ्य में यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर सिविक सेंटर से लोकेन ट्रॉकिस शहर सराया आबकारी चौराहा आदि क्षेत्रों से होते हुए सालाखेड़ी से उज्जैन की ओर प्रस्थान करेगी। श्रद्धालुओं को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही बाबा महाकाल की शाही सवारी के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा का पंजीयन शास्त्री नगर कार्यालय पर किया जा रहा है। यात्रा सावन एवं अधिक मास के सभी सोमवार को शहर के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर से प्रातः 7 बजे रवाना होगी। प्रकाश प्रभु राठौर ने शहर के समस्त राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक संगठन व सर्व समाज को यात्रा शुभारंभ अवसर पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। सैलाना वालों की हवेली मोहन टॉकीज में आचार्य श्री विजय कुल बोधि सुरेश्वरजी महाराज साहेब ने प्रवचन में कहा कि 4 गति में हमारा प्रतिगमन जारी है। गति तो बदल रही है, लेकिन मति में कोई बदलाव नहीं है। आने वाले जन्म में गति अच्छी मिले इसके लिए प्रयास हैं, लेकिन इस जन्म में मति अच्छी हो इसलिए प्रयास करना है। महत्व गति का नहीं मति का है। आचार्य श्री ने कहा कि मनुष्य सारी आराधना इसलिए करता है कि उसे इस जन्म में गति अच्छी मिले, लेकिन मुझे सदमति मिले इसकी कोशिश नहीं करता। प्रभु से कहो साधन दौलत मिले न मिले, लेकिन मति चाहिए ही चाहिए। उन्होंने मति को बदलने के लिए 3 सूत्र गुड इज इन यू, गोल इज फॉर यू एंड गॉड इज विथ यू बताए। यदि मति का परिवर्तन करना है तो अपने अंदर की अच्छाई को निकालो। अच्छाई को पैदा नहीं करना है, जो हमारे भीतर है उसे प्रकट करना सीखो। आचार्य श्री ने कहा कि बाहर की परछाई को हटा दो तो अंदर की अच्छाई प्रकट हो जाएगी। अहंकार को हटा दो तो नम्रता प्रकट हो जाएगी। पैसे के मर्मत्व को हटा दो तो उदारता प्रकट हो जाएगी। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो थोड़े में से भी थोड़ा धर्म के लिए दान दो। देने में आनंद है, सुख है, इसलिए तो आकाश से पानी मिलता है, पेड़ फूल देते हैं और खुश होते हैं। प्रवचन के दौरान श्री देवसुर तपागच चारथुई जैन श्री संघ गुजराति उपाश्रय श्री ऋषभ देव जी केशरी मल जी जैन श्वेतांबर तीर्थपेणी रतलाम के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। जन्मदिन केक काटकर नहीं मनाकर पाश्चात्य संस्कृति से दूर सेवा कार्य का अनूठा उदाहरण प्रति वर्ष पेश कर रहे ग्राम बसिंद्रा के नवयुवक, जिन्होंने पिछले वर्ष भी 16 यूनिट रक्तदान किया और ग्रामीण युवाओं में रक्तदान के प्रति जबरदस्त उत्साह जगा रहे हैं। ग्राम पंचायत बसिंद्रा के उप सरपंच प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक लबाना के जन्मदिन के अवसर पर वे अपने साथियों के साथ मानव सेवा समिति पहुंचे। ग्राम बसिंद्रा तहसील सैलाना जिला रतलाम से आए रक्तदाता ग्रुप सदस्यों में 6 सदस्यों ने रक्तदान किया। मानव सेवा समिति की ओर से दीपक लबाना को जन्मदिन पर इस पुनित कार्य के लिए बधाई दी एवं रक्तदाता पंकज जाट, रवि लबाना, भगवती लबाना, राहुल लबाना, पंकज ईश्वरलाल लबाना, विनोद लबाना को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज के लिए बस यहीं तक। मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नशे के अवैध कारोबार पर कसता पुलिस का शिकंजा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश मिलने के बाद जिले की पुलिस अवैध नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ हुई सक्रिय। राष्ट्रीय थाना पुलिस ने 1,90,000 के अवैध गांजे के पौधे किए जब्त। वार्ड क्रमांक 13 जवाहर नगर क्षेत्र में हुआ पौधारोपण। क्षेत्र पार्षद आशा राजीव रावत ने नवीन बालाजी उद्यान वाटिका में युवा कांग्रेस नेता मयंक जाट व क्षेत्र वासियों के साथ मिलकर किया पौधों का रोपण। विकास भी व स्वच्छ पर्यावरण भी। और सावन माह में हुआ शहर शिवमय। श्री कालिका माता सेवा मंडल द्वारा सावन व पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष में कालिका माता परिसर में हो रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। श्री शिव महापुराण कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का हुआ बखान। नमस्कार, मैं भूमि मेहता, डीजे आना हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें।